की जो पहली न्यूज है बहुत जबरदस्त है। जी हाँ, सैमसंग ने एक उनका एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर रशिया की, फेस ऑफ सैमसंग इन रशिया, सेनिया सोपचार। जी हाँ, क्या हो गया, उन्होंने सैमसंग ने सू किया, सू यानी केस दाखिल कर दी कि भाई 1.6 मिलियन यानी 11 से 12 करोड़ रुपए आपने नुकसान पहुंचाया हमें। क्यों? क्योंकि एक टीवी न्यूज का प्रोग्राम चल रहा था जिधर सेनिया जी आईफोन यूज कर रही थी, सैमसंग की ब्रांड एम्बेसडर है और आईफोन 10 यूज कर रही थी, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उनके इमेज को कि भाई ब्रांड एम्बेसडर हो सैमसंग की, फेस ऑफ सैमसंग हो और फिर भी आईफोन इस्तेमाल करते हो, इसीलिए सैमसंग ने दावा किया कि भाई 1.6 मिलियन डॉलर्स हम आपसे लेंगे। सोचिए क्या लगता है वैसे आपको इस न्यूज के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 243। और अगर आप नए हो इधर दोस्तों, लाल बटन नीचे जो है थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, सब्सक्राइब का बटन है बजा दीजिए, साथ में वो जो बेल आइकन है ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल नहीं भूलिए। दोस्तों आज गूगल ने क्या जबरदस्त न्यूज दी है, उन्होंने सभी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उन्होंने कहा है कि आप जब फोन्स बेचोगे उस फोन एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर 2 साल तक आपको अपडेट्स देना बंधनकारक है, मतलब आपको 100% देना ही होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो भी आप फोन्स लेंगे एंड्रॉइड के, 2 साल के आपको एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, साथ में मल्टीपल सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे। थैंक यू गूगल, ये पहले करना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दुरुस्त जरूर आए। दोस्तों ये न्यूज आपको अच्छी लगी, लाइक बनता है, अटेंडेंस जरूरी है। बिंदी वाला फोन आ रहा है, बिंदी वाला, जी हाँ, सैमसंग का आज इवेंट हुआ A9S और A6S लॉन्च का, और उसमें उन्होंने A8S ये टीज किया, इसका टीजर आया जो 2019 में आने वाला है, अर्ली 2000 जैन फेब 2019 में। और ये जो फोन है दोस्तों कंप्लीटली बेजललेस है, कंप्लीटली सिर्फ एक बिंदी है, बिंदी यानी एक छोटा सा होल दिखता है जिसमें बेसिकली कैमरा होने वाला है, तो मतलब नॉच वगैरह कुछ नहीं, बेजललेस, सिर्फ बीच में एक बिंदी। तो बेसिकली उस दिन जो मैंने आपको बताया था SOD, FOD, जी हाँ, फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले, सेंसर ऑन डिस्प्ले, बाकी सब, वो सैमसंग सही में काम कर रहा है और वैसे फ़ोन भी ला रहा है। 2019 में मोस्टली फोन्स जो आएंगे बेजललेस। मी मिक्स 3 लॉन्च हो गया है, चाइना में हो गया है, एंड दे हैव सरप्राइज मी विद प्राइजिंग। लेकिन और एक 2 सरप्राइजेज उन्होंने दिए, मैं सोच रहा था कि 5G फोन होने वाला है, 10GB रैम के साथ आएगा, तो 10GB रैम वाला वेरिएंट तो अनाउंस कर दिया, लेकिन 5G जो है ये आने वाला है, मी मिक्स 3 का नेक्स्ट वेरिएंट आएगा 2019 में, तभी ये आने वाला है। इसका मतलब जो पहले उन्होंने टीज किया था 5G 10G ऐसे नहीं है, 10GB का जो वेरिएंट है वो ये नहीं बताया कब आएगा, लेकिन उसके डिटेल्स दे दिए हैं, 4999 यूआन 50,000 के करीब होगा 10GB एंड 256GB वाला वर्जन, और उसका जो बेस वर्जन है 6GB 128GB उसकी कॉस्ट है 3299, जिसकी प्राइस मुझे अच्छी लगी, 3299 यूआन यानी कुछ 33,000 रुपीज़। अगर उस प्राइस में आता है तो ये फोन अच्छा है। याद रखिए 845 प्रोसेसर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, स्लाइडिंग कैमराज है, आगे 2 कैमरा पीछे 2 कैमरा, ओवरऑल अ ग्रेट फोन, DXO मार्क कैमरा रेटिंग है 103 का है, विच इज अगेन गुड, तो ओवरऑल एक अच्छा फोन है, प्राइस जो बेस वेरियंट का है वो भी अच्छा है, लेकिन 5G किधर है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मी मिक्स 3 जो ओरिजिनल बेजललेस ब्यूटी है, उसका 3rd जनरेशन है, उसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 93.4%। फाइंड एक्स कुछ दिनों पहले आया था, उसमें भी स्लाइडिंग कैमराज वगैरह है, वो है 93.8 हाईएस्ट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। एंड चैन चेंग साहब कह रहे हैं कि 100% होने वाला है Z5 प्रो का, मुझे तो विश्वास नहीं बैठता है, आपका बैठता है तो जरूर बताइएगा। एंड टाइम फॉर आज के डील्स, ये जो पहली डील है दोस्तों, जब साजिद ने मुझे ये बताया कि भाई ये वाली डील्स हैं आज आपको बतानी है, पहली डील देखी SSD, मैंने 3 खरीद लिए, वेस्टर्न डिजिटल का सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD 120GB की आपको 1899 में मिल रही है, जो जनरली 3,500-4,000 या फिर उसके ऊपर मिलती है, बहुत अच्छा है। अगर HDD है, लैपटॉप है आपके पास, CD ड्राइव है, उसमें आप स्वैप कर सकते हो विद दिस SSD, सुपर फास्ट हो जाएगा, डबल स्पीड हो जाएगा, मैं इतना आपको बताता हूँ, 1899 में मिल रहा है, रुके हुए थे अभी ले लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दूसरे हैं सोनी के हेडफोन्स ZX1 MDR110, ये जो है
ये 499 में मिल रहे हैं, जनरली 700 800 हजार तक मिलते हैं, लेकिन 500 के नीचे मिल रहे हैं। ये सभी डील्स Amazon के हैं और आपको इमीडिएट डिलीवरी भी मिल जाएगी। जी हाँ, जैसे कहा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तीसरी डील OTG पेन ड्राइव की है, 32 GB इसकी कैपेसिटी है, मोबाइल में भी लगा सकते हो, लैपटॉप में भी लगा सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो डेटा, सिर्फ 600 रुपये में मिल रहा है, जनरली 800 900 हजार रुपये तक मिलता है, अभी डील में आपको 600 में मिल रहा है। पबजी फोर्टनाइट सुपर पॉपुलर हो गए हैं, तो शाओमी उसमें भी कैसे नहीं घुसेगा, सभी चीजों में घुसता है तो उसमें भी। जी हाँ, वो लॉन्च कर रहे हैं उनका नया गेम जो पबजी और फोर्टनाइट के साथ कम्पीट करेगा, जिसका नाम अभी उन्होंने कहा है सर्वाइवल गेम। मी कम्युनिटी फोरम्स में उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है जिसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है। अगर आप एक गेमर हो, पबजी और फोर्टनाइट आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको बीटा टेस्टर होना है इस गेम का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कहा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो शाओमी का पबजी और फोर्टनाइट जैसा बहुत ही जल्दी गेम आ रहा है, देखते हैं कितना अच्छा है। और जाते जाते और एक बात बता दो दोस्तों, Xiaomi का Mi A2 कुछ एक दो महीने पहले लॉन्च हुआ था, उसका 6GB वर्जन जो है वो लिस्ट हो गया है Mi.com के ऊपर। इसकी प्राइस रखी है उन्होंने 20,000 रुपए, एंड आई थिंक इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव। Xiaomi का ही Poco F1 जो है, जो 845 प्रोसेसर पे है, वो 21,000-22,000 में आता है। तो ये जो Mi A2 है 660 प्रोसेसर पे, वो 20,000 में, लेकिन 6GB रैम। पता नहीं आपको क्या लगता है, क्या वो एक्सपेंसिव है, नहीं एक्सपेंसिव है, सस्ता है, क्या आप खरीदोगे, जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते मैंने कहा था, लेकिन और एक खबर आ गई है, आ गई नहीं, मैंने अभी अभी पढ़ी, तो वो दे दूं आपको। Realme का एक नया फोन लॉन्च हो रहा है दिसंबर में, अगले नहीं, अगले से अगले महीने में। और बड़ी बात यह है कि वो लॉन्च होगा P70 पे, जो नया हीलियो P70 प्रोसेसर है, जिसका हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रोसेसर बन रहा है, वीडियो आप देख सकते हो इधर। P70 पे आने वाला एक नया फोन है। अब उन्होंने कहा है, ऐसे माधव शेठ जो है उन्होंने कहा है कि भाई ये सक्सेसर नहीं, ये एक अगला फोन होगा, लेकिन आएगा दिसंबर। एंड टाइम फॉर ट्रैकिंग दैट ट्रेजर हंट, ये बताते हुए मुझे बहुत ही खेद हो रहा है कि कल कोई भी नहीं जीत सका। आप कल के हमारे टेक न्यूज में जाइए, 4 मिनट्स 48 सेकंड में देखिए, और आके आज के न्यूज में हमें बताइए आपको क्या दिखा दोस्तों, क्योंकि कल कोई भी फाइंड नहीं कर सका। शायद हमारे एडिटर साहब जो है प्रतीक ठाकुर, उन्होंने इतना ज्यादा मुश्किल कर दिया था कि मुझे भी नहीं मिला। ऑनेस्टली जब उन्होंने कहा ये है तो मिला, देखते हैं आपको मिलता है का। वैसे साथ में कल का तो टेक न्यूज आप बताइए, आज का भी ट्रेजर हंट जरूर बताइएगा हमें। नहीं मिला है तो जाके देखिए और आइए नीचे कमेंट में #TTTH, साथ में टाइमस्टैम्प, स्पेसिफिकली आपने क्या देखा ये जरूर बताएगा, क्योंकि आप जीत पाओगे Amazon का गिफ्ट वाउचर। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 243 इधर ही समाप्त होती है। अच्छा लगा लाइक मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।